तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है, समझ रहे हो, ये बॉडी है इसका मास ऑलरेडी हमारे पास 1 kg यहाँ से दिया हुआ है। तो अगर इस बॉडी का मास 1 kg है और मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, अगर एक बॉडी है इसका मास 1 kg है और इस पे जो फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, उस फोर्स की वैल्यू है TiCap और +3T का स्क्वायर J कैप, ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, आई जे की यूनिट पावर डेवलप्ड बाय द एबव फोर्स एट द, जब 2 सेकेंड बीत चुका होगा तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो एन 1 kg का मास है उसमें कितना पावर डेवलप हुआ होगा। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, पावर डेवलप के लिए जो फार्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर T सेकेंड बाद, तो पावर डेवलप का जो फार्मूला लॉजिक है, जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर तो तुम्हें दिया हुआ है, तो अब हमारा टारगेट है वेलोसिटी वेक्टर निकालना। तो फोर्स वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है TiCap+3T²J कैप। अब यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम, और ये वेलोसिटी DV/DT/ ये वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा TiCap+3T²J कैप। तो यहाँ से तुम देखोगे, अब यहाँ से बेसिकली तो यह आ जाएगा DV वेक्टर इज इक्वल टू 1/m, और यहाँ से TiCap+3T²J कैप, और यह आ जाएगा DT। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं इस सिचुएशन को देखता हूँ तो अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो अगर मैं लिमिट लगा दूँ तो जब टाइम ज़ीरो था, देखो जब टाइम ज़ीरो था तो स्पीड कितनी थी, बॉडी मूव अंडर, हाँ स्पीड ज़ीरो थी, जब टाइम ज़ीरो थी तो स्पीड कितनी थी, ज़ीरो थी। तो जब टाइम टी हुआ तो स्पीड मान लो बी हुआ, तो स्पीड एज ए फंक्शन यहाँ से दिखने लगेगा और उसको निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बेसिकली, तो यहाँ स्पीड जो है वो वेलोसिटी वेक्टर भी, और 1/m मास 1 kg था तो इसको छोड़ देता हूँ, और यहाँ बनेगा टी, हाँ लिमिट यहाँ बनेगा टी का स्क्वायर, देख रहे हो, यहाँ बनेगा टी का स्क्वायर T² I कैप और प्लस यहाँ 3T³, और ये 3, और ये आ जाएगा J कैप। तो यहाँ से ये थ्री इसको काट दिया, तो यहाँ से स्पीड जो वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ T²² I कैप+ यहाँ से T³J कैप, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें पावर चाहिए, तो पावर निकालने के लिए मैं बेसिकली एक काम करता हूँ, इनका डॉट ले लेता हूँ, पावर की वैल्यू F·V। तो एफ फोर्स वेक्टर तुम्हें पता था TiCap+3×T²J कैप, ठीक है, डॉट ले लिया जाए किसके साथ, T²/2 I कैप और +T²Q J कैप। अब इसका डॉट लो आई के साथ, आई का लोगे तो T³Q/2 इधर बचेगा, T³Q/2 इधर प्लस इधर आ जाएगा 3T⁵, दिट इज द इतना वॉट पावर होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें पावर तब चाहिए जब समय 2 बीत चुका होगा, टाइम जब 2 सेकेंड हो चुका होगा तब पावर कितना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कर दो तो 2³Q/2 और +3 और 2×5 ये। तो जब इसको देखोगे तो 8/2 और +3×(32), तो ये आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 4+96, तो 96+4=100 वाट, दिस इज द पावर। मतलब 2 सेकेंड बाद जो पावर आया होगा वो 100 वाट का आया होगा। तो ये जो फाइनल सोल्यूशन होगा यहाँ पे वो 100 यहाँ भरा जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।